students, welcome again in the lecture series on chemical bonding. Okay, and in this lecture series we will discuss about the stereochemistry and bonding in main group compounds. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में, और इसमें हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स. ओके, और इस लेक्चर से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और जो कि रिलेटेड था बेंड रूल से. हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले डिस्कस किया है, और आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम परसेंटेज एस करेक्टर या पी करेक्टर पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निकाल सकते हैं. ओके, अब इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, बेंड रूल में जो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से है, क्यों हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके बेंट रूल को डिस्कस करते हैं. उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि ये इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं, और कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में ये हमें नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, और क्यों हम एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को लेके बेंट रूल को डिस्कस करते हैं. ओके, तो इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस को, और उससे हम निष्कर्ष एक कंक्लूजन निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हम बेंट रूल के अंडर क्यों पढ़ते हैं. इसे डिफाइन कर लें कि हम इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल किसे कहेंगे. ओके, तो अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. कार्बन के जो चार ऑर्बिटल हैं, एक s और एक 3p, जब वो मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद वो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक से होते हैं. चारों में, चारों का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और चारों में जो एस करेक्टर है वो 25% होता है, और पी करेक्टर क्या होता है, 75%. इसलिए सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, इक्वल है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सब में परसेंटेज एस करेक्टर और पी करेक्टर बराबर है. इसलिए इस तरीके की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब होंगे, जब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो सराउंडिंग एटम्स हैं, वो डिफरेंट होंगे, उस केस में हमें नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे. ओके, जैसे CH4 के केस में, पागल NH3 के केस में क्या है, देखिए तीन तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस केस में क्या होगा कि जो चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बच्चों, होंगे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तीन एच है. ओके, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, फोर. बट जो फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो सारे के सारे sp3 नहीं कहलाएंगे, ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, लेकिन सारे जो ये जो ऑर्बिटल है, जो नाइट्रोजन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इनमें एस करेक्टर और पी करेक्टर अलग होंगे, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें एस और पी करेक्टर अलग होगा. और हमने देखा था कि यहां पर परसेंट एस करेक्टर 31 होता है, जबकि इन बॉन्ड्स के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं उनमें परसेंट एस करेक्टर 23% होता है. तो आप देखिए इनके परसेंट एस करेक्टर में डिफरेंस है. यहां पर तीन ऑर्बिटल जिनमें परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर बराबर होगा, इसलिए ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट होगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर एक सेंट्रल एटम के चारों ओर जो एटम्स हैं अगर वो अलग अलग होंगे, तो फिर वो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जेनरेट करेगा. तो हम देख रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का देख रहे हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में, सॉरी, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन,
sp हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर XY2 टाइप मॉलिक्यूल, जैसे मैंने BCl2 का एग्जांपल दिया है, तो BCl2 के केस में देखिए दो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों एक से है, ये भी Cl है और ये भी Cl है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। अब आप देखिए ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे कितने बनेंगे, कौन से बनेंगे, sp, ओके, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ये कितने बनेंगे, टू sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये दोनों sp हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट। देखिए दोनों के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp हैं, तो दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, यस, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, ओके। अगर मैं कहूं कि ये भी बॉन्ड बना रहा है और ये भी बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों साइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो दोनों बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो एक से हैं, दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, सो ये दोनों के दोनों क्या है, एक से है, इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी जो है वो इक्विवेलेंट है, दोनों sp है, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो भी इक्विवेलेंट है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैंने दिया है BCl3 और दूसरे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है जहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है SnCl2 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर बच्चों ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का एंगल है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब आप देखिए कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जो इस क्लोरीन के साथ जो रिएक्ट करेगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये तीनों ऑर्बिटल एक से होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसके होंगे, सेंट्रल एटम के, तीनों एक से हैं, तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से हैं, तो तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं, यस हैं। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यही क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तीनों और बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तीनों भी एक से हैं क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्या है, एक से है, ओके। अब आप आइए इस केस में जहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो येलो जो दिखाया हुआ है ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट अलग आ गया और दो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सीएल। तो अब आप जानते हैं, आपने आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है और वहां पर देखा है कि जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा और जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पर परसेंट एस करेक्टर कम था। तो इस हिसाब से ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका जो कंपोजिशन है वो कुछ और होगा और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कुछ और होगा। तो ये sp2 नहीं है, ये sp2 नहीं है, इनमें जो करेक्टर है वो s या p का, यहां पर s का करेक्टर कम होगा, यहां पर s का करेक्टर अधिक होगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अलग होगा और ये दोनों क्या होंगे, एक से होंगे। तो क्या तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से हैं, एक से हैं, ये अलग है क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इससे बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से नहीं है। अब आप देखिए यहां पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो जो बॉन्ड बन रहे हैं वो वाले ऑर्बिटल तो दोनों एक से होंगे और ये वाला ऑर्बिटल अलग होगा। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो तो एक से है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन एक सा है, यस, ये इक्विवेलेंट है, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, एक से है। देखिए ये बॉन्डिंग, ये एक सी बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि ये लोन पेयर है, ये डिफरेंट होगा और ये दोनों क्या होंगे, एक से होंगे। तो ये तो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने डिफरेंट एग्जांपल पढ़े थे, जैसे आपने एक CH4 या CCl4 पढ़ा था, फिर आपने NH3 पढ़ा था, फिर आपने H2O पढ़ा था। तो CCl4 में C पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 में N पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और H2O में O पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि जो अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है। देखिए CCl4 में चारों सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, ये चारों CCl4 है, इसलिए जो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, sp3, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक से होंगे और ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3।
क्योंकि चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक से है, इसलिए एस और पी करेक्टर हमें हर ऑर्बिटल में 25% और 75% होगा। तो क्या सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से है, इक्विवेलेंट है? यस, सारे ऑर्बिटल क्या है, इक्विवेलेंट है। बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखें तो बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ये देखिए, ये सीएल के साथ बॉन्ड बना रहा है, सीएल के साथ बना रहा है, सीएल के साथ बना रहा है, सीएल के साथ बना रहा है, तो चारों बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक से होंगे। यस, चारों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे हैं, एक से हैं। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, देखिए बच्चों अमोनिया का। अमोनिया के केस में देखिए तीन तो नाइट्रोजन है और एक क्या है यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग है, ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है, और तीन हाइड्रोजन एटम्स ये अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसका मतलब है कि ये जो एटम जो जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एस रिच होगा, जबकि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल वो एस रिच उतने नहीं होंगे जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो यहां पर 30% एस करेक्टर है जबकि इनके पास 23% एस करेक्टर है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये तीनों तो एक से हैं, तो ये जो बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है, एक से हैं। यस, वो तो एक से हैं, लेकिन जो जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या है, सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको हम कह रहे हैं कि जैसे ही चार अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आए या एक भी सब्स्टिट्यूएंट अलग आया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अब H2O का केस देखिए, H2O के केस में क्या है, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगेन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन, तो क्या ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे? नहीं, चारों एक से नहीं होंगे क्योंकि दो क्या आ गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा, यहां परसेंट करेक्टर एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अब आप देखिए बॉन्डिंग बॉन्डिंग ये हो रही है और बॉन्डिंग ये हो रही है, तो ये दोनों तो एक से हैं, तो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर आपने पढ़ा था कि इसको हम sp4 कहते हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं, sp4, तो ये sp4 है, दोनों एक से हैं, दोनों कैसे हैं, sp4, क्योंकि दोनों बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों में ही 20% एस करेक्टर है और 80% पी करेक्टर है। तो ये इसका मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाँ वो दोनों के दोनों क्या है, एक से है, लेकिन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, बट दी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर इक्विवेलेंट। कि जो बॉन्ड एंगल है वो भी देखिए डिफरेंट है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया और यहाँ पर बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसकी वजह से आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया है। यही केस क्या रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी रहेगा, जैसे SnCl2 का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो वहां पर भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। केस ऑफ दिस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन को देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए एक pcl5 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, एक scf4, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एक clf3, जहां पर आप देखेंगे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे cl के ऊपर, और एक एग्जांपल आप देख रहे हैं icl2- या xcf2, जहां पर आप देखेंगे तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इतने तरीके के मॉलिक्यूल हमने वेस्पर थ्योरी में देखे थे अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो। ओके, अब आप देखिए पहले सिंपल मॉलिक्यूल को, जहां पर जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल। देखिए ये 1, 2 और 3, ये क्या है, प्लेन है, ट्राइगनल प्लेन है, और ये जो दो जो आप देख रहे हैं जो दो एटम्स हैं वो एक्सियल पोजीशन पर है और तीन एटम्स इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं। तो आप जानते हैं कि प्लेनर पोजीशन पर ये देखिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है बच्चों, 120 डिग्री। दो एंगल है इसमें, एक 120 का एंगल है और दूसरा एंगल जो है वो कितना है, वो एंगल है दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, देखिए इक्विटोरियल एंड एक्सियल के बीच में जो एंगल है वो है 90, और जो इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच में जो एंगल है वो है 120। अब आप देखिए दो एंगल है, इससे पहले की ज्योमेट्री आप एक बार देखिए कि यहां पर लीनियर ज्योमेट्री में एक एंगल है,
अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर को देखूं तो एक एंगल है 120, दूसरा एंगल नहीं है। अगर मैं टेट्राहेड्रल को देखूं तो एक ही एंगल है, दैट इज 109। और अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री को देखें तो उसमें दो तरीके के एंगल हैं, एक है 120 और एक है 90 डिग्री एंगल। ओके, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग एंगल पर है एटम्स, तो जो 90 डिग्री के एंगल पर हैं उनमें रिपल्शन अधिक होगा और जो 120 के एंगल पर हैं उनमें रिपल्शन कम होगा। तो इस रिपल्शन की वजह से आप देखेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। जो प्लेनर पोजीशन पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं sp2। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो spxpy होता है। और जो एक्सियल पोजीशन पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है pdz। ओके, pzdz2। तो देखिए ये जो लीनियर है यानी जो एक्सियल पोजीशन पे है उनमें s करेक्टर होता ही नहीं है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे आप प्लेनर को कहते हैं। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? ये देखिए इक्विवेलेंट नहीं है। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो एक्सियल पोजीशन की ओर होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होता है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होता है, जो sp2 टाइप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो तरीके के एंगल है, अलग अलग टाइप का रिपल्शन होता है, इसलिए दो एंगल की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर टुवर्ड्स द एक्सियल पोजीशन दे आर डिफरेंट, एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर टुवर्ड्स इक्वेटोरियल पोजीशन दे आर डिफरेंट। सो ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, नाउ अगर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो बॉन्ड तो एक्सियल पोजीशन पर बन रहे हैं और तीन बॉन्ड कहां बन रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो बॉन्ड बनेंगे और जो एक्सियल पोजीशन पर जो बॉन्ड बनेंगे उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली अलग अलग होंगे, सो दे आर ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंट। तो ना तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है जो बॉन्डिंग है, और ना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट केस SF4। अब ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा, 120 से कम एंड 90 से कम होता जाएगा। ओके, अब यहां पर आप देखिए इस केस में क्या होगा कि यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है इक्विटोरियल पोजीशन पर। ओके, अब ये तो देखिए पहले से ही नॉन इक्विवेलेंट था, तो अब लोन पेयर आएंगे तो भी क्या रहेगा? नॉन इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो और नॉन इक्विवेलेंट हो गए, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब सिंपल में ही नॉन इक्विवेलेंट है तो आप अगर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आए तो ये क्या होंगे? नॉन इक्विवेलेंट ही होंगे। दो तो देखिए, एक तो इक्विटोरियल पोजीशन पर है बॉन्डिंग, और एक किसमें है? एक्सियल पोजीशन पर दो बॉन्ड है। अब अगर हम XEF2 को देखेंगे तो इस केस में जरूर क्या हो सकता है कि सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल तो नॉन इक्विवेलेंट होंगे बट बॉन्डिंग आर इक्विवेलेंट, लेकिन बॉन्डिंग क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पर बन रहे हैं, तो वो एक से होंगे, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होंगे? एक से होंगे। तो ये आपने जो sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के केस में आपने ऐसा देखा, केस ऑफ sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आइए, तो यहां पर एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सॉरी दिस इज sf6। SF6 में क्या होगा बच्चों? ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एक्चुअली कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये सारे बॉन्ड एक से होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, मतलब इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए जैसे आपने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, यानी जो तीन जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एक से हैं, क्योंकि सबके बीच में बॉन्ड एंगल 120 था। टेट्राहेड्रल में भी सारे एटम एक से थे, यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल के केस में भी सारे एटम एक से हैं, तो सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक से होंगे, दे आर इक्विवेलेंट। सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री।
ओके। अब आप देखिए कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, क्योंकि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक से हैं, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी इक्विवेलेंट होंगे, सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे। अब आइए आप इस केस में जहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर देखिए जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दे आर नॉन इक्विवेलेंट। तो जहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक से नहीं होंगे। और जब लोन पेयर आएगा तो अब लोन पेयर के पास जो रिपल्शन होगा, यहां पर अलग अलग तरीके का रिपल्शन होगा बच्चों, ये रिपल्शन अलग होगा और यहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपल्शन अलग होगा। तो इसलिए जो है जो इस लोन पेयर के सामने जो एफ है उस पर, उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नेचर अलग होगा और बाकी चार जो प्लेन में है उनका नेचर अलग होगा। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर आल्सो नॉन इक्विवेलेंट। ओके, अब अगर हम ये एग्जांपल देखेंगे जहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, तो आप देखिए क्योंकि लोन पेयर है सो ऑल दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट तो नहीं है क्योंकि लोन पेयर आ गया है, लोन पेयर में एस करेक्टर अलग होगा और जो एटम्स है उनमें अलग होगा, लेकिन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं देखिए सारे के सारे इक्वल जो प्लेनर पोजीशन पर हैं तो सारे एक से हैं, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि सारी पोजीशन एक सी है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को देखिए, तो यहां पर तीन तरीके के मॉलिक्यूल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, IF7, XEF6 एंड XEF5-। ओके, तो यहां पर आप देखिए यह जो पेंटागनल बाइपिरामिडल, अगर हम पेंटागनल बाइपिरामिडल को देखेंगे तो देखिए ये एक पेंटागन बन गया, ये प्लेन है। ओके, और दो जो एटम्स हैं वो एक्सियल पोजिशन पर, इसमें दो पोजिशन है, क्यों? क्योंकि एक जो पोजिशन है वहां पर बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, देखिए ये जो पेंटागन है 360 को 5 से डिवाइड करिए, जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 72 डिग्री आएगा। ओके, और दूसरा जो बॉन्ड एंगल है वो ये एक्सियल और ये जो प्लेनर पोजीशन पर है इसके बीच में, और ये 90 डिग्री का एंगल है। पेंटागनल बाइपिरामिडल को अगर हम सोचें तो यहां पर दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं, एक तो प्लेनर पोजीशन पर है 72 डिग्री का और दूसरा जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब आप खुद बताइए कि दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं, मतलब दो तरीके के एंगल पर ये एटम्स हैं, तो इनके जो रिपल्शन है वो 72 पर रिपल्शन अधिक होगा जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, और जो 90 डिग्री पर होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा इन कंपेरिजन टू दी 72 डिग्री बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक से होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं। सो ऑल दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो बॉन्डिंग तो इक्विवेलेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वही इक्विवेलेंट नहीं है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब आप देखिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का केस, तो क्योंकि यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसलिए जो इक्विवेलेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे आर नॉन इक्विवेलेंट एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपने जो नजदीक के बॉन्ड पेयर है उनके रिपल्शन को अफेक्ट करेगा, इसलिए यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी नॉन इक्विवेलेंट है और बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे आर ऑल्सो नॉन इक्विवेलेंट। जबकि अगर हम इस तरीके का केस देखें जहां पर XEF5- है, जहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो नॉन इक्विवेलेंट हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं दे आर इक्विवेलेंट। यस, दे आर इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि पांचों के पांचों एफ कहां पर हैं? ये एफ प्रेजेंट है एट ए प्लेनर पोजीशन। तो इस तरीके से हम नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के बारे में बता सकते हैं। जनरल सा आइडिया देती हूं बच्चों, अभी तक जो हमने जो ज्योमेट्री पढ़ी वो पढ़ी लीनियर। ओके, अब लीनियर के केस में आप देखिए कि यहां पर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीनियर की तो मैं बात नहीं करूं, अगर मैं बात करूं ट्राइगनल प्लेनर की,
ठीक है, सॉरी ये कुछ इस तरीके से मैं अगर ट्राइगनल प्लेनर की बात करूं तो यहां पर तीन एटम्स हैं, ओके, तीनों का एंगल बराबर है 120 का एंगल। तो अगर मुझे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है तो चाहे मैं यहां पर रखूं इसको, चाहे मैं इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ज्योमेट्री विल रिमेन बेंट, ओके। अब अगर मैं टेट्राहीड्रल की बात करूं, अगर मैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर फिट करना है, चाहे मैं इस पोजीशन पर करूं, 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 क्योंकि सभी के बीच में जो एंगल है 109 का है, तो कोई इफेक्ट आएगा? ज्योमेट्री पिरामिडल ही रहेगी अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, या अगर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो ज्योमेट्री हमेशा कैसी होगी? वी शेप होगी। तो कहीं पर भी मैं इलेक्ट्रॉन पेयर रखूं, इस पर कोई अधिक इफेक्ट नहीं आने वाला है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी अरेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये सारे एक से हैं बच्चों। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर 180 का एंगल है, यहां पर 120 का एंगल है, यहां पर 109 का एंगल है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। तो सारे के सारे एक से हैं। अब चाहे अगर मुझे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है तो मैं यहां पर रखूं या यहां रखूं, सारी पोजिशन एक सी है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी ज्योमेट्री में। जो ज्योमेट्री आएगी वो स्क्वायर पिरामिडल आएगी अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर फिट कर दूं तो अगल बगल तो नहीं आएंगे, आएंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां होगा, या फिर यही इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, बात एक ही है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरीके के स्ट्रक्चर की, यानी ये ज्योमेट्री है ट्राइगनल बाईपिरामिडल और ये ज्योमेट्री बच्चों मैंने बनाई पेंटागनल बाईपिरामिडल। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ओके, यहां पर देखिए दो पोजीशन है, एक है एक्सियल, ये जो एक्सियल पोजीशन पर है यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो दो तरीके के बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। ये एक्सियल एटम है और ये इक्विटोरियल एटम है, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है और ये एक्सियल है, ओके। अब अगर मैं बॉन्ड दिखाना चाहूं, देखिए ये आया, अब अगर मैं बॉन्ड दिखाऊं बच्चों दो इक्विटोरियल के बीच में तो वो बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अब आप देखिए यहां पर दो तरीके के बॉन्ड एंगल है, तो आप ये देखिए कि जहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहीं पर जाना चाहेगा। इसीलिए आपने देखा कि इस तरीके की ज्योमेट्री में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम अरेंज करेंगे तो वो कहां जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन पर चले जाते हैं, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होता है, ओके। तो अधिक होने की वजह से आसानी से यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डबल बॉन्ड जिनका नेचर एक सा होता है वो कहां पर फिट हो जाते हैं, यहां पर। इसलिए इसमें दो तरीके के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, एक जो एक्सियल पोजीशन पर अलग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और इक्विटोरियल पर अलग होते हैं, क्योंकि दोनों जगह एंगल अलग अलग होता है। अब आप केस लीजिए इसका पेंटागनल बाईपिरामिडल का, ये जो एंगल है ये देखिए एक्सियल है, ये है इक्विटोरियल, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है। इसको लीजिए ये इक्विटोरियल है, अब इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है बच्चों, दिस इज 72 डिग्री। तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहां पर एक 72 डिग्री का एंगल है और एक 90 डिग्री का एंगल है, तो रिपल्शन कहां अधिक होगा 90 डिग्री पर, 72 पर रिपल्शन कम होगा। इसलिए अगर पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर, कहां पर चला जाएगा बच्चों, एक्सियल पोजीशन पर ये चला जाएगा। तो ये कारण है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर जो डबल बॉन्ड है वो इनके केस में कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर चला जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्पेशली ऐसी ज्योमेट्री है और इसमें भी ये एक
स्पेशल ज्योमेट्री है जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं बेंट रूल में, क्योंकि यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, और जो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है वहां पर भी नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। सिंपल इन दोनों में अगर हम ज्योमेट्री देखें तो वो ये ज्योमेट्री है जिसको कि हम बेंट रूल में अधिकतर इस मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं, हालांकि हम इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये जो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके हम स्ट्रक्चर भी आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और आपको एक ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनानी है ए बी 3e2 टाइप, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है ये ट्राइगनल बाइपिरामिडल बनाना है और यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इक्विटोरियल पोजीशन पर रख देना है क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल अधिक है, और यहां पर आपने बी रख देना है कहां पर बची हुई पोजीशंस में, ये डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या मैं आपसे कहूं कि ए बी 3O2 है तो आप क्या करेंगे, ए बी 3O2 में आप क्या करेंगे कि ये ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे, और इसमें आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मैं इक्विटोरियल पोजीशन पर रखूंगा, क्यों, क्योंकि यह रिपल्शन कम होगा और बाकी जो एटम्स हैं वो यहां पर फिट हो जाएंगे। क्यों रखूंगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है बॉन्ड एंगल 120 का है, तो आसानी से हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी और बेस्ड ऑन ये जो कंसेप्ट है नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो अब आप मेरे ख्याल में समझ गए हैं कि क्यों हम जनरली इस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं इन केस ऑफ बेंट रूल। तो बेंट रूल में हम इसको पढ़ेंगे, इसकी स्टडी हम करते हैं ट्राइगनल बाइपिरामिडल जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d जो कि डिवाइडेड होता है pzdz² हाइब्रिडाइजेशन एंड spxpy हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, तो जो नॉन इक्विवेलेंट हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं बेंट रूल में। सेम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उनके लिए बेंट रूल दिया गया। हो चुके हैं कि नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम किसको कहते हैं, तो उस बेसिस पर हम इजीली अब समझ सकते हैं बेंट रूल को। अगर हम इसको समझ गए हैं पूरा कंडीशन सारी, आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हम समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम समझ चुके हैं कि नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, तो अब हम इजीली समझ सकते हैं कि बेंट रूल क्या कहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the equivalent or non-equivalent hybrid orbitals, and in the next lecture we will discuss about the bent rule. So thank you very much.